तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रेमिडेनो टोकन अनलॉक कब और कैसे होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको एकदम इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना। तो जैसे कि मैं सबसे पहले रेमिडेनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डिस्कवर में। देख सकते हैं यहाँ पे जो है डिस्कवर, यहाँ पे तो मैं जैसे डिस्कवर पे आ जाता हूँ फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रिनेक पे। एंड उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रेमिडेनो नेटवर्क रिनेक मेननेट अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इन लोगों ने जो भी है साफ साफ लिख के रखा है अनाउंसमेंट में, वो मैं आप लोगों को एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है सब कुछ डिटेल्स इन लोगों ने जो अनाउंस करके रखे, देख सकते हैं रेमिडेनो नेटवर्क रिनेक मेननेट अनाउंसमेंट। तो इन लोगों ने जो है सब कुछ यहाँ पे जो है अनाउंस करके रखे। तो यहाँ पे आप इन लोगों का जो है चैट भी देख सकते हैं रेमिडेनो का यहाँ पे। एंड दोस्तों जो इस वीडियो का जो आज का टॉपिक है मैं उसी टॉपिक में ही जो है बात करूँगा आज। तो जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ देख सकते हैं ये जो है आज का जो इस वीडियो का जो है टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं अनलॉक शेड्यूल। तो दोस्तों यहाँ पे जो इन लोगों ने जो साफ साफ लिख के रखा है देख सकते हैं, माइनर कम्युनिटी सप्लाई ऑफ डेवलपमेंट टीम सप्लाई रेमिडेनो टीम विल बी अनलॉकेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर 5 ईयर्स। यानी कि ये लोग बोल रहे हैं कि आपका जो भी टोकन आपने माइनिंग किया है माइनर टीम ने, मतलब जो भी टोकन आपने माइनिंग करके रखे वो आपका जो है 5 ईयर्स के लिए जो है अनलॉक रहेगा इसमें। एंड इसका जो है मतलब 5 ईयर्स के लिए जो है ये लॉक रहेगा, सॉरी अनलॉक नहीं लॉक रहेगा। एंड जो है इस टोकन का जो अनलॉक होने का प्रोसेस है यहाँ पे जो है इन लोगों ने दे के रखा है अनलॉक होने का जो प्रोसेस है, मतलब पर या 20% के हिसाब से जो है आपका अनलॉक होगा। एंड दोस्तों ये कैसे होगा, मान लीजिए कि एग्जांपल आपके पास 100 टोकन है, आपने 100 टोकन माइनिंग करके रखा है, तो 100 टोकन में से आपका पर या 20% करके अनलॉक होगा। यानी कि 100 को अगर 5 से डिवाइड करें तो आपका जो है 20 टोकन करके पर ईयर आपका जो अनलॉक होगा। उस हिसाब से आप 20 को आप 365 से आप अगर ये करते तो उस हिसाब से जितना परसेंट करके आपका अनलॉक होगा उतना करके आपका डेली का अनलॉक होगा। एंड ये जो है आपका डेली का अनलॉक होकर आपका जो है मेन वॉलेट पर नहीं आएगा दोस्तों, मतलब अवेलेबल वॉलेट पर आपका नहीं आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने लिख के रखा है कि अनलॉक एवरी सैटरडे, यानी कि आपका जो है पर वीक में आपका जितना परसेंट करके बनता है पर ईयर के हिसाब से 20% करके उतना ही आपका जो है अनलॉक होगा, वो भी एवरी सैटरडे। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा जो एवरी सैटरडे आपका जो अनलॉक हो गया वो जो है अवेलेबल बैलेंस में अवेलेबल फंड में जो है आपका शो हो जाएगा दोस्तों। तो यही है इसका प्रोसेस, आप कोई भी गलत फहमी में मत रहिए कि आप यूट्यूब में सर्च कर दे कि अनलॉक करने का ट्रिक क्या ये है, तो आपका कुछ भी काम नहीं करने वाला है। जो भी है इसकी इन लोगों का जो भी है ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे जो है ऐसे करके ही इसी सिस्टम से ही जो है आपका रेमिडेनो टोकन अनलॉक होगा। तो आपका जो है जो भी टोकन है वो 5 साल के लिए लॉक है, तो इसका जो भी अनलॉक होने का प्रोसेस हर साल आपका 20% करके अनलॉक होगा दोस्तों। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आप लोग एकदम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं क्रिप्टो लूट नाउ, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप जो है सिंपली आके ज्वाइन कर लेना ताकि मैं जो भी छोटा मोटा अपडेट है मैं यहीं पर देता हूँ, छोटा मोटा एयरड्रॉप वगैरह जो भी है मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।